हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यूंगी सो टूडे मैरी यहाँ पर दो पाइल्स है मेडिटेट करके दो मिनट के लिए सेलेक्ट कर लीजिए अपना फेवरेट पाइल थैंक यू सो मच हाई एवरी वन वेलकम बैक पाइल नंबर वन जिन्होंने भी ये कैसल चूज किया था राइट right. या इस पर्सन के पास एक कैसल जैसा बिग होम हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है या फिर दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ द कंट्री बाहर चर्च है ना चर्च में आ, कुछ चर्च के थ्रू बाहर गए हो या फिर क्रिश्चियन हो सकते हैं या फिर यू नो आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करते रहते हैं ऐसा पॉसिबिलिटी है वन मोर वी विल सी या ग्रेप्स तो दिस पर्सन इज़ लाइक वाइन की तरह बहुत खूबसूरत हो सकते हैं ग्रेप्स खाने का बहुत शौक़ हो Uh, बहुत ब्यूटीफुल होंगे दिखने में ओके okay. ओल्डर है तो भी दिस पर्सन लुक्स वेरी वाइब्रेंट एंड हैंडसम लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग ओके हाउ दिस पर्सन लुक ए लाइक अगर हम देखें सेवेंटीन इनका एज हो सकता है बर्थडे हो सकता है फ्लावर uh, तो बहुत लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इनके या फिर इन्होंने एक्सटेंशन कराया हो रेडिश हेयर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ओके okay, फ्लावर लगाने का शौक हो बालों में ऐसे थोड़े चबी हो सकते हैं येलो कलर इनका फेवरेट दिस पर्सन लुक लाइक अ फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल कंची आके ब्लूइश ग्रेइश ग्रीन uh, ये सारे कलर्स हो सकते हैं आँखों का कलर बिगर आइज वेरी वेरी प्रिटी एंड क्यूट ओके बॉय के लिए भी देखें तो लॉन्ग हेयर हो सकता है आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं दोनों का ही कॉम्प्लेक्शन फेयर ही होगा यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी ऑनेस्ट ओके कभी भी आप इनको झूठ बोलते हुए नहीं पाओगे uh, मुंह बंद है बट स्टिल शी स्पीक विथ ऑनेस्टी दिस बॉय स्पीक विथ ऑनेस्टी बट लोगों का मुंह बंद हो जाता है समथिंग लाइक दैट शी इज़ वेरी स्मार्ट ओके स्मार्ट माउथ होगा इनका ऐसे फ्रिल ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक होगा इनको ऐसा हो सकता है मेकअप करते हों मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं बहुत सारे लोग वाट आर द सर्कमस्टांसिस वैन यू विल मीट दिस पर्सन ब्रोकन ब्रिज पहला कार्ड ओके सेकेंड इज स्टाफ थर्ड इज वेल ओके ब्रोकन ब्रिज के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि उस वक्त इनका कोई ब्रेकअप हुआ होगा ऐसा पॉसिबिलिटी है या फिर कोई मैरिज ब्रोक हुआ होगा या फिर समबडी किसी को लूज़ किया होगा अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम सो दिस पर्सन या आप दोनों ही एक प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है उस वक्त आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स में ये पर्सन की एंट्री होगी आपके लाइफ में स्टाफ आप इनके ऑफिस में काम करते हो एज अ स्टाफ या फिर ये करते हो एक ही ऑफिस में हो सकते हो यू विल बी टेकन केयर ऑफ़ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स दिस पर्सन विल बी कम एज अ रेस्क्यूअर एंड आपको बचाएंगे ओके okay? ऐसे आप इस पर्सन से इस सर्कम में आप मिल सकते हो वेल well है यहाँ पे हो सकता है किसी वेल well के आसपास मिल सकते हो अगर आप यू you नो know, uh, यू नो थोड़ा गांव की साइड रहते हैं तो वहाँ पे वेल होता है ना वहाँ पे आप मिल सकते हो आपके होम टाउन में फैमिली विशेस कम ट्रू इस पर्सन के आने पे आपके फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और आपका फैमिली का जो विश है आपका मैरिज का मे बी आपका लेट मैरिज हो रहा हो काफ़ी टाइम हो गया हो कुछ भी फाइनलाइज ना होता पाया हो आ, तो ये इंसान के साथ जब ये आएंगे तो आपके सारे ड्रीम्स को फुलफ़िल कर देंगे और आपके प्रॉब्लम्स को हटा देंगी ये पर्सन जैसे ही आएँगे so, पहला टैरो की तरफ चले तो आपका आ गया है फोर ऑफ वॉर्न हु इज़ दिस पर्सन यू विल मैरी देन आ गया है एट ऑफ सोल्ट ओके देन कम्स द वर्ल्ड टू ऑफ कप्स टेम्परेंस थ्री ऑफ वर्न्नस दिस पर्सन इज लाइक एरी स्लियोसा इस रीडिंग में सबसे हेवी है यहाँ पे टेन ऑफ कप्स है लास्ट कार्ड तो एरिस लियो सैज लियो एक्वेरियस स्कॉर्पियो टॉरस एंड कैंसर स्कॉर्पियो इस रीडिंग में सबसे हैवी है आ, हल्का सा लीब्रा इनके चार्ट्स में कहीं कही ना कहीं आता होगा बट ये सारे सनसाइन सबसे प्रोमिनेंट हैं यहाँ पे दिस पर्सन इज लाइक सेजिटेरियस एक आपके पास दो मेजर अरकाना है सेजिटेरियस यहाँ पे बहुत हैवी है इस पर्सन का इस पर्सन का सनसाइन हो सकता है फोर ऑफ वॉर्न के साथ दिस इज लाइक समबड़ी आपके घर के आसपास हो सकते हैं या फिर इस पर्सन घर के आसपास पॉसिबिलिटी ही आपको मिल सकते हैं ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हो या फिर आप इनकी तरफ शिफ्ट होकर जा रहे हो ऐसा कुछ समथिंग ओके okay? वैसे ये पर्सन से आप मिलोगे या फिर दिस पर्सन विल कम एज एन अरेंज मैरिज का रिश्ता आपके घर में आ सकता है ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं इनका खुद का एक होम हो सकता है एंड दिस यू एस संबड़ी एक गुड काउंटर पार्ट जिसके साथ ये आगे बढ़ सकते हैं सेलिब्रेट कर सकते हैं जॉयफुल हो सकते हैं यू you नो know, एक स्टेबिलिटी देखेंगे आपके साथ ऐसा एक पर्सन ओके दिस इज संबड़ी हु वक पहले ये पॉसिबिलिटी है ये स्टक हो सकते हैं अपने लाइफ में कोई भी टाइप का स्टक हो सकता है थर्ड पार्टी ने स्टक कर रखा हो या फिर यू uh, नो you know, अपने खुद के थॉट्स में स्टक हो यू नो रेस्ट्रिक्टेड हो इनको किसी ने डिफिकल्टीज में डाला हो तो वहाँ से कंप्लीशन करके जैसे आपके में था ना ब्रोकन ब्रिज उस ब्रिजेस को उस डिफ़िकल्टीज़ को हटा के ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये एक लव मैरिज है द वर्ल्ड के साथ डेफिनेटली दिस पर्सन हेज़ ट्रैवल्ड अ लॉड ऑफ प्लेसेस कई जगह पे इन्होंने ट्रैवल किया होगा जैसे कि यू नो वर्ल्ड ट्रैवल वर्ल्ड टूर करते हो इनका काम हो ट्रेन में यू you नो know, अगर इंटर स्टेट में भी जाते हो तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में हो सकते हैं ऐसा पॉसिबिलिटी या फिर एवियशन इंडस्ट्री से हो सकते कुछ लोगों के लिए uh, ये ट्रैवल करते रहते हो होल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबिलिटी है वंस दिस पर्सन विल सी यू जब पहली बार आपको देखेंगे तो ये उसी टाइम यस बोल देंगे एंड देन यू विल गो हैड विद दिस मैरिज प्रपोजल एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान जापान में काम करते हो ओके okay? यहाँ पे वो पिंक वाले फ्लावर्स है ना पॉसिबिलिटी है यहाँ पे तो ये इंसान आपके साथ पार्टनरशिप में काम भी कर सकते हैं ऐसा भी पॉसिबिलिटी है जजमेंट के साथ ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग में ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे एंड उसके अलावा लीब्रा है यहाँ पे हैवी है ओके तो ये पर्सन आपको यू you नो know, एक गुड लाइफ अहेड दे सकते हैं इस इस इंसान के साथ आप बाहर जाके सेटल हो सकते हो थ्री ऑफ वांट्स हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली यू कैन गो आउट एंड सेटल इस पर्सन के साथ एंड ये इनका एक विशन होगा एक गोल होगा उसमें ये चाहते होंगे कि आप उनको सपोर्ट करें कहीं ना कहीं दैट्स इट ओनली सपोर्ट दे डोंट वांट योर मनी दे डोंट वांट योर यू नो एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट प्रॉपर्टी और एनीथिंग ऑफ दर सॉर्ट बट जस्ट सपोर्ट इनको सपोर्ट चाहिए होगा आपसे क्योंकि इनको वो विशन और गोल पूरा करना होगा हो सकता है कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो ऐसा पॉसिबिलिटी है ओके okay? बस उनको सपोर्ट चाहिए होगा आपसे यहाँ पे आ गया है टेन ऑफ कप्स डेफिनेटली देन वंस हो सकता है आपका मैरिज बाहर हो ऐसा पॉसिबिलिटी है हो सकता है कि डिफरेंट स्टेट में आप जाके मैरिज करें उनका कंडीशन होगा कि उनके घर में वो रखना चाहते हैं या कहीं और रखना चाहते हैं ओके सो ऐसे आपका मैरिज फुल एंड फाइनल हो जाएगा यहाँ पे किड है वन ईयर के बाद या टेन मंथस के बाद या वेरी वेरी हैप्पी फैमिली आपको मिल जाएगा इस पर्सन के आने पे दिस इज सम्बडी हु इज़ लाइक अ फैमिली मैन फैमिली ओरियंटेड इंसान लविंग केयरिंग आपका टेक केयर करने वाले सबड़ी जिसको कैट्स पालने का शौक हो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ही बी लाइक स्टैंडिंग देयर विथ यू इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ ओके अब आ गया है रोमांटिक लाइफ कैसा रहेगा लव लव योर सेल्फ फर्स्ट ओके सेकेंड है गिव योर रिलेशनशिप चांस हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए हो आप इनको ऑलरेडी जानते हो ऐसा पॉसिबिलिटी है नेबरहुड में हो आपके या फिर आप जानते हो या फिर इनकी फैमिली आपकी फैमिली को जानती होगी ऐसा हो सकता है लव यूर सेल्फ फर्स्ट मीन रोमांटिक लाइफ में दिस पर्सन वांटेड टू यू नो गिव पैक ऑन योर चीक लव यू अलॉट आप इनके अंदर बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट होगा ओके वेरी वेरी रोमांटिक एंड एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होगा बहुत ज़्यादा ओके दे टू हग यू दे विल बी लाइक यू नो ऑलवेज होल्डिंग यू आपको हमेशा यू you नो know, इनका लव लैंग्वेज फिजिकल टच हो सकता ऐसा है ऐसा पॉसिबिलिटी है पार्टनरशिप है यहाँ पे तो पार्टनरशिप में दोनों साथ में काम करते हो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ओके okay. नेक्स्ट आ गया है आपका मैरिड लाइफ कैसा जाएगा आपका पैराडाइज इस इंसान के आने पे आपका जीवन ऑल्टोगेदर थ्री सिक्सटी डिग्री चेंज हो जाएगा पैराडाइज वेरी वेरी हैप्पी पैराडाइस एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत हैप्पीनेस है खुशियाँ हैं यू you नो know, सांत्वना है वहाँ पे लिब्रेशन है ट्वेंटी वन इनकी एज आपकी हो सकती है यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी काम कम्पोस्ट हो जाओगे अगर आपको बहुत एंगजाइटी इश्यूज़ है वो सब चीज़ों से हटा देंगे ये पर्सन आपको ओके कमिटमेंट है यहाँ पे ये इंसान आपके साथ सेवेंटी सिक्सटी जब तक आप यहाँ पे हैं हमेशा आपके साथ कमिटेड रहेंगे कोई आपको किसी टाइप का चीटिंग नहीं मिलेगा क्योंकि इनके साथ और आपके साथ ऑलरेडी एक चीटिंग हो चुका होगा बिफोर मीटिंग दिस पर्सन सो इट्स लाइक ही विल बी लाइक स्वान्स आर लाइक ऐसे होते हैं कि वो हमेशा साथ में रहते हैं जब उनका पार्टनर का डेथ हो जाता है तो वो दूसरा जो पार्टनर है वो उड़ के उसके बाद अपने आप को पानी में डुबो के मर जाते हैं समथिंग ऐसा बोला जाता है ओके okay? सो so, ऐसा होगा आप हमेशा एंड तक साथ में रहेंगे दिस इज़ लाइक यहाँ पे कमल है तो डेफिनेटली दोनों एसेंडेड होंगे लाइट होगा दोनों में कोई डार्कनेस नहीं होगा इस पर्सन को ये जब आपकी तरफ आएंगे तो वो डार्कनेस सब रिमूव करके आपकी तरफ़ आएंगे कहीं ना कहीं ओके Uh, आपका मैसेजेस की तरफ चले तो नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट इस पर्सन की जीवन में आपकी जगह कोई नहीं ले पाएगा ओके आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट तो ये पर्सन जैसे ही आपके जीवन में आएंगे आपके बारे में सोचने लगेंगे एंगेजमेंट होने के बाद ओके आई लव योर वॉइस आई फील रिलैक्सड सो इनको आपका वॉइस बहुत पसंद होगा आप सिंगर ये सिंगर हो सकते हैं दोनों गाना गाते हो आप दोनों को रिलैक्स फील होगा एक दूसरे से बात करके एवरी डे माई लव फॉर यू कीप इंक्रीजिंग इस इंसान का लव आपके लिए इंक्रीज़ होता रहेगा इनके सेंसेस स्टॉप हो जाएंगे जब इनका यू नो आइस आप पे फिक्सेटेड हो जाएगा ही बी लाइक ऑलवेज वॉन्ट टू सी यू वीडियो कॉल यू कॉल यू मैसेज यू टेक्स्ट यू सारी चीज़ें करते रहेंगे कंटिन्यूसली नेक्स्ट है यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन साइड एंड आउट तो दिस पर्सन विल फील दैट कि आप बहुत ब्यूटिफुल हैं सोने हैं बहुत स्मार्ट हैं यू नो आपको देखना चाहते हो कि हमेशा आपके पिक्चर्स मांगेंगे आपसे बातें करते रहेंगे ओके विल बी लाइक एंगेजिंग इन दिस रिलेशनशिप हमेशा ऑल द टाइम यहाँ पर आ गया है आपका एडवाइस कार दोर्स ऑफ ऑल्ड तो आपको सिर्फ विष्णु भगवान जी को और लक्ष्मी माता को बुलाना है uh, दे आर लाइक अ कपल ओके तो ये लक्ष्मी जी वो पूछती हैं कि यू you नो know, वहाँ पे कौन है तो so, सब लोग बोलते हैं कि वश विष्णु भगवान जी है कहीं ना कहीं तो दिस पर्सन इज़ लाइक जाके उनको माला पहना देते हैं और उनका मैरिज हो जाता है समथिंग लाइक दैट तो ये आप दोनों चोजन वनस हो सकते हो ठीक है एक दूसरे के लिए बने हुए समथिंग लाइक दैट ट्विन फ्लेम कनेक्शन एरीजिए उस आज है ना ये आप ट्विन फ्लेम एक जैसे दिखते होंगे सेम ऐसा पॉसिबिलिटी है इट्स लाइक आप चूज करोगे इस पर्सन को ये पर्सन आपको स्पेशली चूज़ करेंगे बाकी सब ऑप्शन को हटा के समथिंग लाइक दैट ऐसे आपका मैरिज होगा यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपको करना चाहिए ओके यूनिवर्स को थैंक्स आपको बोलना है दैट्स वॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है डिवोशनल सर्विस आप कर सकते हैं भजन एंड ऑल दैट ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी एंड आपको वर्शिप करना है इन दो गॉडेस को ठीक है एक लक्ष्मी है एक यहाँ पे लॉर्ड विष्णु है दोनों को आपको uh, बुलाना है तो आपको ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है फोर मंथ्स में यू you नो know, आपका मैरिज फिक्स हो सकता है एंड देन यू कैन गो हैड विद दिस पर्सन ओके हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ सो दिस वॉज योर रीडिंग थैंक यू सो मच लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर टू हाई वेलकम बैक पाइल नंबर टू जिन्होंने भी ये यू नो ओल्ड कपल को चूज़ किया इनके पेरेंट्स हो सकते बहुत ओल्ड हो सकते हैं इनका ये टेक केयर करते हो ध्यान रखते हो ये सब बातें आपको पता होंगी ऑलरेडी या फिर नहीं पता है तो पता चल जाएंगी वंस यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन यहाँ पे आ गया है हैंड मेहंदी का तो आपका पहले एंगेजमेंट हो सकता है मेहंदी का फंक्शन हो सकता है ये सारी चीज़ें हो सकती है या फिर ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है हैंड आ गया है ना तो हैंड हमेशा हैंड का टैटू हो सकता है इनके पास ऐसा वाला स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो रीडर हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी स्पिरिचुअल एक्टिविटी इन सब के बारे में बात करना यू नो लिब्रेशन के बारे में ये सारी चीज़ें करते होंगे ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए ओके okay? यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे दिखते होंगे ये पर्सन नंबर फोर्टी फोर्टी इनकी एज या फोर इनका लाइफ पाथ ऐसा पॉसिबिलिटी है सबके लिए नहीं है ओनली फॉर फ्यू पीपल जिनका ओल्डर एज है मॉर्निंग दिस इज़ अ मॉर्निंग पर्सन सुबह जल्दी उठते होंगे आपने नोट किया हो होगा या नोट करोगे आगे जाके ब्लू हेयर हो सकते हैं इस लड़की के ऐसा या फिर इनके घर में एक्वेरियम हो सकता है यहाँ पे एक छोटा सा फ़िश रखा हुआ है इधर भी फिशे हैं तो हो सकता है ऐसी किसी जगह से जहाँ पे सी बीचेस ज़्यादा हो ऐसा पॉसिबिलिटी द वर्ल्ड अवेट्स यू तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ऑनलाइन में बहुत कुछ फेमस हो सकते हैं ऐसा वर्ल्ड अवेट्स यू है ना इसी या फिर इनका वेट करते होंगे लोग इनसे मिलने के लिए बात करने के लिए वेव करने के लिए इनको देखने के लिए एक नज़र या फिर इन से एक झलक इनकी दिख जाए या फिर इनसे मिल ले या फिर हैंडशेक हो जाए uh, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट ओके ऐसा ऐसा कोई इंसान इनसे मिलने के लिए लंबी लाइन लगती होगी कतार होती होगी कि मेरे को मिलना है इस पर्सन से समबड़ी हु इज़ वेरी लाइक अ स्टार और वेरी स्पेशल पर्सन ओके कॉम्प्लेक्शन ढला हुआ हो सकता है ढला हुए से पिंकिश यू नो ये सारी चीज़ें हो सकती है और uh, हाइट इज़ लाइक नॉर्मल येल्लो कलर इनको वाइट कलर बहुत पसंद होगा ओके दिस इज़ अ लिटिल बिट लेसी पर्सन कुछ लोगों के लिए ओनली फॉर फ्यू पीपुल कुछ लोगों के लिए लेसी हो सकते हैं थोड़े से अपना सेल्फ केयर करते होंगे बहुत और वर्ल्ड फेमस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए नोन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है, है यहाँ पर समझ ले क्या सर्कम्स्टांसिस होगा जब आप मिलोगे क्लाउड है पहला कार्ड सेकेंड इज फ्लावर्स थर्ड इज़ हॉर्स क्लाउड के साथ टेम्प्रेरी प्रॉब्लम उस ऐसा वक्त होगा जब आपकी लाइफ में बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स चल रही छोटे छोटे नॉट बिगर वन बिकॉज आपने बहुत सारा स्पिरिचुअल एक्टिविटी करके बहुत ब्लेसिंग्स कमाए हो सकते हैं या फिर यू you नो know, आप हेल्पिंग हैंड देते हो बहुत सारे लोगों को तो ऐसे आपने बहुत मदद करी होगी लोगों की तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे आपके लाइफ में यू नो क्लाउडेड होंगे आप आपको कोई कन्फ्यूशन हो सकता है कोई आप रिश्ते देख रहे हैं आपको पसंद नहीं आ रहा समथिंग लाइक लग समथिंग विच इज़ लाइक वेरी टेम्प्ररी छोटी छोटी दिक्कतों में यू नो इट्स लाइक आप टेम्प्ररी प्रॉब्लम से गुजरे होंगे तब ये पर्सन विद फ्लावर्स आपकी तरफ आएंगे हो सकता है इन्होंने आपको कहीं देखा हो आपको बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो आप बहुत स्मार्ट दिखते हो यू you नो know, आप में एक अट्रैक्शन एक बात है यू नो ब्लू बर्ड है ना यहाँ पे ब्लू बर्ड आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है हैप्पीनेस ओके okay, आपको देखिए खुश हो जाते होंगे तो आपकी तरफ फ्लावर्स लेके आ सकते हैं यू नो दिस उस टाइम आपको प्रॉब्लम्स भी है तो भी यू आर वेरी हैप्पी दिस बर्ड इज़ सिटिंग ओके अपना एलोन में खुश है आप हैप्पी भी होंगे और थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चल रहा होगा तब उस वक्त इस पर्सन की एंट्री होगी हॉर्स है यहाँ पे हॉर्स ईयर uh, में ये पैदा हुए हैं ऐसा पॉसिबिलिटी है स्पिरिट एनिमल आपका हॉर्स हो, हो सकता है शॉर्ट जर्नी हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करें इस पर्सन के साथ ये, ये आपकी तरफ ट्रैवल करें आप इनकी तरफ एक शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है आसपास रहते हो एक स्टेट इस पार उस पार या फिर दो तीन स्टेट इस पार उस पर तो उस वक्त आप इस इंसान से मिल सकते हो शॉर्ट जर्नी होगा इनके पास खुद का एक हॉर्स हो सकता है ओके okay, ऐसा पॉसिबिलिटी है रॉयल फैमिली से हो ये ऐसा दिख रहा है समवेयर यू विल गो ऑन अ शॉर्ट ट्रिप तब आप मिल सकते हो ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पर पर्सन के हेयर बहुत खूबसूरत हो सकते हैं ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है बट uh, जब जर्नी पे आप जाओगे या मिलोगे इस पर्सन से तो यू विल भी वेरी हैप्पी दिस पर्सन विल ऑफ़र यू फ्लावर्स दे टेक यू आउट ऑफ द टेम्पररी प्रॉब्लम यू विल फील खुश खुश ओके यहाँ पर आ गया है आप कटहरों की तरफ चले तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपका नेक्स्ट कार्ड है डेविल एंड सेवन ऑफ कप्स ओके नेक्स्ट इज पेज ऑफ सॉर्स नेक्स्ट इज फाइव ऑफ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉट इज सिक्स ऑफ या एंड आपका व्लरिफाई करते हुए सब कुछ नाइट ऑफ व्हील्स सो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म मैरिज ओके एक लंबे अरसे तक साथ में रह सकते हो नाइट ऑफ व्हील्स के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे वही दिख रहा है विलो फॉर्चून के साथ हो सकता है इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत लेसन सीखे हों विलो फॉर्चून है ना कार्मिक लेसन इस पर्सन ने बहुत डिफिकल्टीज देखा हो ये लड़की यहाँ पे बहुत थक चुकी है इस व्हील को चला चला गया आई गेस यू कैन सी दैट या ये दोनों ही आप दोनों ने ही बहुत हार्डशिप देखा हो सकता है लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज यू you नो know, आपको बहुत लेसन दिए हो यूनिवर्स ने ऑल uh, माइ ने जिससे आप थक थक के हार हार के फिर भी यू गेट अप एंड देन गो हैड विथ लाइफ समथिंग लाइक दैट तो ऐसा ऐसा कुछ होगा यू you नो know, आपकी लाइफ में तब ये इंसान आएंगे आपके जीवन में एंड यू विल बी लाइक ऑप्स विथ ईच अदर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये बहुत सारे लोगों के लिए स्पेशली कैप ओके यहाँ पे टॉर्स फिरगो कैप रिकॉर्न लिबरा जमना एक्वेरस भी हैवी है और एरिस लियो साइज भी हैवी ही है यहाँ पे लियो एक्वेरिस टॉरस स्कॉर्पियो ये सारे सनसाइज भी हैवी ही हैं यहाँ पे वंस दिस यू मीट दिस पर्सन यू विल भी ऑप्शस दिस पर्सन विल भी ऑप्सस्ट विद यू ये आपका आप उसक कर सकते हैं आपके लिए वैसी वाली थिंकिंग रख सकते हैं पैशनेट थिंकिंग अदरवाइज दिस पर्सन विल भी लाइक चेजिंग यू आपको चेज करते हुए नजर आएंगे या आप इनको वाइस वर्सा ले लीजिएगा एनर्जीज आप यू नो इंटरचेंज कर लीजिएगा डेविल uh, के साथ कहीं कही ना कहीं एक वक्त में आपको ऐसा लगेगा जब व्हेन यू आर टॉकिंग टर्म्स में हो दस महीने या फिफ्टीन मंथ्स यू विल बी लाइक आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है समथिंग लाइक दैट बट इट इज़ लाइक यू एन्जॉय ऑल्सो ओके ईच अदर्स कंपनी को बहुत एन्जॉय करते हुए नजर आओगे यहाँ पे जब आपका डेटिंग पीरियड होगा दिस पर्सन हैज़ अ लॉर्ड ऑफ ऑप्शन आप देख सकते हो डेड ड्रीमर हो सकते हैं ये ओके okay? है सकते हैं इनके पास इनके uh, हर जगह से रिश्ते आ रहे होंगे इनके पास बट दिस पर्सन विल फाइनलाइज यू बिकॉज आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा समझते हैं या फिर आपने इनके शेडो पर काम कराया हो या फिर आपने फुली कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया हो इस पर्सन को सेवन ऑफ कप्स के साथ दिस पर्सन विल यू नो सी यू एस अ ड्रीम कम ट्रू ऐसा पॉसिबिलिटी है ओके दैन इट इज़ लाइक आप एक दूसरे को ड्रीम्स में देख सकते हो ऐसा कुछ समथिंग बट सेवन ऑफ कप्स के साथ सारे ऑप्शनस को ड्रॉप करके दिस पर्सन विल चूज़ यू ओके एज में डिफ्रेंस हो सकता है आपके मीनिंग वन पर्सन इज़ यंग एंड वन पर्सन इज़ ओल्ड ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ओके दिस पर्सन विल भी लाइक ऑनलाइन आपको स्टॉक करते करते आपको मिल सकते हैं इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ़ लव कम अरेंज मैरिज ऐसा पॉसिबिलिटी है क्योंकि जब ना एक्वेरस आ गया ना कार्मिक साइकिल तो इट इज़ लाइक संभड़ी हुई स्टोकिंग थ्रू अ लॉट ऑफ पोर्टल्स आपके सारे पोर्टल्स में चेक करते करते ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं एंड देन uh, आप दोनों का कुछ हो सकता है यहाँ पे मैरिज की तरफ ये जा रहा है बट जैसे ही ये इंसान आएँगे लॉड ऑफ़ पीपल आर कमिंग एन फाइटिंग फॉर अटेंशन बिकॉज वो नहीं चाहते आप दोनों का यूनियन हो जाए ओके फाइव ऑफ वॉन्ट सो मेनी पीपल हो सकता है इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों को डेट किया हो एंड दोज पीपल आर कमिंग टू हैव अवटिफुल गट विद यू ओके सो दैट आपको यू you नो know, थोड़ा सा लेसर फील कराने के लिए यू you नो know? ये सारी चीज़ें कर सकते हैं बहुत सारे टॉक्सिक लोग हो सकते हैं इस पर्सन के लाइफ में जिनको इनको रिलीज़ करना पड़ेगा हंड्रेड परसेंट दिस पर्सन हैज टू रिलीज अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज दिस पीपल आर लाइक लिटरली फाइटिंग फॉर दिस वेमेन और फॉर दिस मैन समथिंग लाइक दैट दे वॉन्ट टू गेट अटेंशन ऑफ दिस पर्सन और दे जस्ट लव दिस पर्सन इनमें में कुछ और ऐसा बात हो सकती है जिससे लोग वो हो जाते हैं ऑप्सेस हो जाते हैं सिक्स ऑफ वॉन्ट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी फेमस ऑन सोशल मीडिया और कहीं पे भी ऑफिस में जहाँ पे भी हैं यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस है वहाँ पर सक्सेसफुल है कही कहीं ना कहीं सिक्स और फोर्थ के साथ सो एवरीबडी इज़ लाइक आफ्टर इज सक्सेस बट आप इनके सक्सेस के पीछे नहीं हो आप डेविल हो ना आप यहाँ पे बैठे हुए हो चुपचाप ओके okay? <laughs> अपना काम कर रहे हो ओके बैक साइड में आग लग रही है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा यू आर लाइक रेडी टू ईट दैट केक यहाँ पे ये यह लड़का केक खाने वाला है कुछ ओके आई गेस यू कैन सी दैट उसका कॉन्सेंट्रेशन अपनी चीज़ों पे है ओके okay. बेशक बैक ऑफ द पिक्चर कुछ भी चल रहा हो दिस इज समबडी यू इज़ वेरी फेमस नोन इनको बहुत सारे लोग जानते होंगे बहुत यू नो क्लाइंट बेस बहुत बड़ा हो सकता है इस पर्सन का ओके okay. uh, बहुत बातूनी नहीं हो सकता है कुछ लोगों एक इंसान लेस स्पीकर हो सकता है एक इंसान बहुत बोलते हो ऐसा पॉसिबिलिटी वंस ऑल दिस स्टफ इज गोइंग ऑन यू आर गेटिंग मैरिड ओके ये सारा अटेंशन सीकिंग के बीचों बीच आपका मैरिज होता हुआ नज़र आ रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा बोथ ऑफ यू यू आर लाइक कामर एंड कम्पोज यू आर लाइक वी वॉन्ट टू गेट मैरिड वी आर वेरी हैप्पी विद दिस मैरिज वॉट एवर इट इज़ गोइंग ऑन बैक ऑफ द पिक्चर चलता रहे बट आपका यहाँ पे मैरिज हो रहा है यहाँ पे डिफ़िकल्टीज हो सकती है इनकी फैमिली की तरफ से लोग मना कर सकते हैं ये एक शॉर्ट टर्म डिफिकल्टी हो सकता है कि उनके मेंटालिटी या फिर आपका रिलीजन ये सारी चीज़ें मैच ना करती हूँ तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है बट इट्स लाइक यू बोथ आर लाइक येस वी वॉन्ट गेट मैरिड एंड वी विल गेट मैरिड ऐसा बाकी सारी चीज़ें अलाइन होते हुए नाइट ऑफ व्हील्स के साथ यू आर गेटिंग मैरिड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ लाइक नाइट सबसे यू you नो know, धीरे धीरे आते तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत धीरे धीरे आए हैं कहीं ना कहीं मे बी दस साल मे बी सेवन ईयर्स मे बी फाइव ईयर्स वन ईयर सिक्स ईयर ऐसा थ्री ईयर वन पॉइंट फाइव टू ये सारे टाइम पीरियड में ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं इट्स लाइक यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन ओके लॉन्ग टर्म काफ़ी टाइम तक के लिए यू विल बी टुगेदर okay? हो सकता है इस पर्सन के बाद लंबे हो ओनली फॉर फ्यू पीपल सबके लिए नहीं है हाउ विल बी योर रोमांटिक लाइफ कॉलिंग इन योर सोल मेट दस दिस पर्सन इज़ योर सोल मेड जैसे फाइल नंबर वन में वो एक ट्विनफ्लेम कनेक्शन था हो सकता है ये पर्सन आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट का बंदा हो यू नो शॉर्टर वैसा तो सोल मेड कनेक्शन शॉर्टर पीरियड की वजह से बट बिकॉज दिस इज हु विल यू मैरी का रीडिंग है तो कहीं कही ना कहीं आपने बहुत प्रेयर्स किए होंगे इस इंसान को अपनी तरफ लाने के लिए एफर्मेशनस किए होंगे विचुअलाइजेशन करते होंगे इनका नाम बोलते होंगे बार बार या फिर यू नो यू विशुअलाइज दिस पर्सन की आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो हो सकता है इस पर्सन के बाल घूंघरा ले हो ओनली फॉर फ्यू पीपुल्स सबके लिए नहीं है ओके यू कॉलिंग इन योर सोलमेट ऐसे यू नो रोमांटिक लाइफ की बात करें तो ही विल बी लाइक बहुत मन्नतों से आपको मांगा होगा इस पर्सन ने कहीं ना कहीं दिस रिलेशनशिप इज़ कोर डिपेंडेंट हंड्रेड परसेंट आप दोनों को एक दूसरे की हमेशा आदत रहेगी यू नो ऑलवेज ऑन द फ़ोन टॉकिंग टू ईच अदर होल्डिंग हैंड्स कहीं पे भी जा रहे हो हर चीज़ में को डिपेंडेंट यू आप इनको आपकी ज़रूरत है इफ़ ही इज़ अ ट्रेवलर ही वांट यू टू बी विद देम ओके हमेशा आप इनके साथ रहे इफ़ ही इज़ लाइक यू नो गोइंग ऑन अ शूट ही वांट यू टू बी देयर ओके अगर ये पर्सन कम्युनिकेशन में कहीं पे किसी के साथ कुछ है तो ये पर्सन आपके साथ हमेशा आपकी हेल्प चाहिए होगी इनको ओके इट्स लाइक एन एडिक्शन आप दोनों को एक दूसरे का एडिक्शन होगा ओके uh, हो सकता है ये एडिक्शंस आपके रोमांटिक लाइफ को डिफ़िकल्टी दे क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं ना डिपेंडेंट हो गए यहाँ पे ये डिपेंडेंट रिश्ता है तो आपको उस हिसाब से को डिपेंडेंस रिश्तों में डिफ़िकल्टीज आती है डाउनफॉल्स आते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का कि किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट रिश्ता नहीं बनाना है इस पर्सन के साथ ओके okay? बट वो बनेगा क्योंकि डेविल है ना यहाँ पे कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स होते हैं डेविल कनेक्शंस ओके okay? सो so आपको बहुत ईसी गोइंग बनाना है इसको स्पिरिचुअलिटी के चीज़ें करनी है बेशक वो मंदिर से ही जुड़ा हो ओके okay? इंटीमेसी है यहाँ पे हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ इंटीमे इंटीमेसी यू बोथ फिल बी लाइक वेरी वेरी इंटीमेट ऐसे हो सकते हो बबल बात ले रहे हैं ये लोग यहाँ पे यू विल बी लाइक ऑलवेज यू नो वांटेड टू बी इट्स लाइक फ़िजिकल टच हो सकता है इनका लव लैंग्वेज दे वांट यू टू जैसे मैंने बोला को डिपेंडेंट कनेक्शन है ना दिस पर्सन वॉन्ट यू टू बी देर विथ यहाँ पे कैंडल्स जले हुए हैं ही विल बी लाइक ऑलवेज बाई योर साइड आपके साथ हमेशा रहेंगे ऑल द टाइम इट्स लाइक दे वॉन्ट टू बी विथ यू आपको आ, ऐसा फील नहीं होगा कि मैं अकेले हूँ अकेला हूँ अकेली हूँ हमेशा आपके साथ रहना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना इनको अच्छा लगता होगा ऐसा ओके आ, इस मैरिज में आपको फ्रीडम मिलेगा मे बी आप एक फ्रीडम लवर हैं आपको बहुत ज़्यादा क्लिंगी लोग पसंद नहीं हैं आपको बाहर जाना अच्छा लगता है थोड़ा घूमना फिरना थोड़ा अपना मीट टाइम समझिए ट्वेंटी थ्री इनका एज ट्वेंटी थ्री इनका बर्थडे आपको मीट टाइम पसंद है तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन विल बी लाइक आपको फ्रीडम देंगे ओके दे आर बोटिंग यहाँ पे बोटिंग हो रहा है चाइना में तो हो सकता है आप चाइना जाए घूमने फिरने के लिए फ्रीडम मिलेगा आपको इस कनेक्शन में वेदर इट बी इनकी फैमिली की तरफ से वेदर इट बी आपके हस्बैंड वाइफ की तरफ से फ्रीडम रहेगा क्लिंगी रिलेशनशिप नहीं है कि नहीं नहीं आप कहीं नहीं जा सकते किसी से बात नहीं कर सकते वो सब चीज़ें नहीं रहेंगी यहाँ पे मैसेजेस की तरफ चले तो व्हेन आई सी और आई सी फील लाइक आई नो यू सो हो सकता है इस पर्सन को आप पास्ट लाइफ से जानते हो सोल कॉन्ट्रैक्ट के लोग हो ना इसीलिए हो सकता है कि आप जानते हो पास्ट लाइफ में मिले हो ओके इनको आपकी आँखें बहुत सुंदर लगती होंगी आपकी आँखें बहुत खूबसूरत हो सकती है नशीली हो सकती है आई हैव नेवर मिस्ड दिस पर्सन विल ऑलवेज मिस यू ओके जितना इन्होंने किसी को मिस नहीं किया उतना आपको मिस करेंगे ओके नो वन कंपेयर्स टू यू आपके जैसा कोई नहीं है कंपैरिजन में ही नहीं आते आप यू you नो know, ये सितने भी जितने भी सेवन ऑफ कप्स हैं जितने भी फाइव ऑफ वर्ल्ड्स हैं उनके कंपैरिजन में यू यू आर वेरी वेरी स्पेशल वो लोग कुछ नहीं है आपके सामने आई क्राई इन ये पर्सन रोते होंगे आपके लिए ओके okay? जब आपको मिलेंगे बताएंगे आपको कि दिस पर्सन क्राइड फॉर यू ओके इन द ड्रीम्स ऑल्सो या फिर वैसे जनरली आप मिले हो कभी एक बार तो या फिर बाद में भी वैन यू मीट दिस पर्सन आफ्टर दैट दिस पर्सन विल क्राई फॉर यू अगर आप फोन ना उठाएँ या फिर आपके पास टाइम नहीं है आई यू आर बिजी विथ समथिंग और एनी थिंग ऑफ दैट सॉ दिस पर्सन विल बी लाइक क्राइंग फॉर यू आई विश आई गुड रिवाइंड एवरी थिंग एंड डू बेटर दिस टाइम हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इनको ऑलरेडी जानते हो सबके लिए नहीं है ओनली फॉर यू पीपल कि आप इनको जानते हो सो दिस टाइम ये बहुत अच्छा करना चाहते हैं अगर कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है तो वो हमेशा उसके लिए मेकअप करने के लिए रेडी रहेंगे ऐसा नहीं है कि आई डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यू जस्ट डू यू ऐसा नहीं होगा ही विल बी लाइक इंडल्जिंग इन दिस कनेक्शन वो आपको बेटर फील कराएंगे फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इस योर नेम इस पर्सन को आपका नाम हर जगह दिखेगा कहीं ना कहीं बिलबॉर्ड पर दिखता होगा यू में वैसे जनरली कहीं पर भी जाते हैं वहाँ पर हर जगह आपका नाम दिखेगा ओके okay? मे बी पॉसिबिलिटी इनका नाम ए से हो ओके ओनली फॉर फ्यू पीपल फर्स्ट एंड लास्ट थिंग इनके माइंड में जब ये मॉर्निंग में उठते हैं तो आपके बारे में सोचते होंगे ये नाइट में सोने जाते होंगे तो आपके बारे में सोचेंगे ऐसा होगा समथिंग लाइक देर हायर लेवल कनेक्शन हो सकता है बेशक कितने भी लोग यहाँ पर अड़चने डाल रहे हों देट वॉन्ट यू टू सी सी बोथ ऑफ यू टू उससे कुछ नहीं होगा ओके यू विल बी गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन हंड्रेड एंड टेन परसेंट हूँ नेक्स्ट uh, है यहाँ पर वो डी कॉल नंदी तो आपका एडवाइस कार्ड की कैरियर ऑफ शिवा सो यहाँ पे यू कैन गो टू अ टेंपल जहाँ पे शिवा के बहुत बड़े बड़े टेंपल्स होते हैं वहाँ पे नंदी भगवान जी के कान में आप बोल सकते हैं दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू ओके गेट मैरिड टू यू ही इज़ लाइक उनके वाहन है ना तो आप उनके कानों में बोल सकते हैं दैट आई वॉन्ट गेट मैरिड टू दिस पर्सन और लॉर्ड शिवा को आप बुला सकते हैं एंड इनको कुछ ऑफरिंग्स कर सकते हैं इल बी वेरी गुड फॉर यू अदर देन दैट यहाँ पे आई ऑफर सेल्यूटेश सेल्यूटेशंस आप कर सकते हैं यहाँ पर वाइट बुल को नंदी राइट एंड हि नेक इज़ डेकोरेटेड विथ बेल्स तो आप बेल्स का वहाँ पे यू कैन यू नो गिव यू नो वहाँ पे आप ऑफरिंग्स कर सकते हैं ही इज अ कैरियर ऑफ ब्लू थ्रोटेड शिवर तो ऑल माइटी को आप कुछ भी उनकी पसंदीदा चीज़ें चढ़ा सकते हैं वेदर इट बी मिल्क ऑल्सो एम्बॉडीमेंट ऑफ धर्मा एंड अनशेकबल एस हिमालय तो आप शिव भगवान को मानते हैं तो उनके किसी मंदिरों में आप बहुत यू you नो know, दान पुण्य कर सकते हैं बी वेरी गुड फॉर यू ओके दैट्स इस दैट इज वट दिस इज वट यू हैव टू डू अब दिस वॉज योर रीडिंग आई होप यू इट चलते हैं आपके चांस की तरफ आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू सो मच हाय वेलकम बैक पायल नंबर वन जिन्होंने भी पायल नंबर वन चूज़ किया था हार्ट तो पिंक कलर इनको बहुत पसंद होगा यू नो ग्लिटरी चीज़ें पहनने का शौक होगा हार्ट दिस पर्सन विल गिव यू द हार्ट ट्रिपल फोर नंबर आपको हर जगह दिखेगा दिस इज अ मूव मूव बोल रही हूँ मूव कलर पसंद हो सकता है इस पर्सन को ऐसे ये वाला कलर बहुत अच्छा लगता होगा ओके ये पहनते होंगे इसके हुडीज़ पहनते होंगे फ्लावर है इनको बालों में फ्लावर लगाने का शौक़ होगा फ्लावर का गार्डन हो सकता है इनके पास सादिक दिस पर्सन इज द मुस्लिम में भी पॉसिबिलिटी है डिफरेंट कल्चर का सादिक साद हो सकता है इनका नाम ऐसा दिख रहा है यहाँ पे लव है यहाँ पे इट्स लाइक दिस लव मैरिज हो सकती है आपकी मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए यहाँ पे दो लव uh, है तो दिस पर्सन विल भी लाइक वेरी रोमांटिक एंड लविंग एंड केयरिंग दो घर हो सकते हैं इस परसन देखिए लव आ गए यहाँ पर बार बार लव आ रहा है दिस पर्सन इज लाइक वेरी लविंग एंड केयरिंग ओके आपका बहुत ख्याल रखेंगे ट्री है यहाँ पे तो ही विल बी लाइक बिल्डिंग अ होम विथ यू और आपके साथ रूट्स बनाएंगे ओके इनको ऐसे चेन पहनने का शौक़ होगा नकली वाला में भी या फिर ऐसे डिजाइनर वाले इनको पहनने का शौक़ होगा यहाँ पे दिल आ गया है तो दिस पर्सन विल बी लाइक बहुत आपको प्यार करेंगे दिस आपको बहुत इंपॉर्टेंस देंगे इनका हार्ट हार्ट चक्रा ओपन होगा ओके यहाँ पे आगे बटरफ्लाई इस पर्सन के साथ आप ट्रांसफॉर्म होंगे एक नया इंसान बनेंगे आपका एंगेजमेंट होगा यहाँ पे यहाँ पे दो रिंग है हो सकता है इनका फर्स्ट मैरिज या फिर फर्स्ट एंगेजमेंट टूटा हो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आ गया है यू नो आ, दिस इज अथ ये कनेक्शन आपके लिए बहुत लकी होगा दैट्स स्पॉट यहाँ पे दिख रहा रहे होके सो चलते हैं पाइल नंबर टू की तरफ आई वेलकम बैक पाइल नंबर टू जिन्होंने भी ये रिंग चूज किया है Uh, हो सकता है इनका एंगेजमेंट में कुछ इशू आया हो इनको किसी ने मना कर दिया हो क्योंकि ये चीज़ इसमें अटका हुआ था जब मैं ये पिकअप कर रही थी तो कहीं ना कहीं एंगेजमेंट की बात हुई होगी लाइक करते होंगे किसी को सारी बातें ख़त्म हो गई रिंग उठा के फेंक दिया होगा बाद में दोनों ने या फिर वापस कर दिया होगा एक दूसरे को ऐसा पॉसिबिलिटी है एविएशन इंडस्ट्री से हो सकते हैं ये पर्सन पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ये बना हुआ है ना या फिर दिस कनेक्शन इज़ वेरी लक्की फॉर यू जैसे ये इंसान आएंगे आपका लक का टाइम शुरू हो जाएगा यहाँ पे केज्ड है हो सकता है पास कनेक्शन में आप दोनों केज्ड अप हो आपको अच्छा ना लगता हो वहाँ पे तो ये पर्सन आपको वहाँ से फ्री करा सकते हैं फ्रीडम था ना आपके में यू विल बी फीलिंग फ्री विद दिस पर्सन यहाँ पे आगे है ट्री सो so आप लोग एक दूसरे के साथ रूट्स बनाओगे वी से लड़के का नाम हो सकता है विशाल हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है या फिर विशेष हो सकता है विनायक हो सकता है वामिका, वायु, विष्णु, वेलेरिया, ये सारे नाम हो सकते हैं बॉसबुल लेने का लास्ट नेम हो। या यहाँ पे आ गया है एक छोटा सा, बड़ा सा, व्हाट डू कॉल? दिस इज a यू नो फैदर आपको फैदर हर जगह दिखेगा एंजल नंबर्स हर जगह दिखेंगे इस पर्सन के नाम दिख सकते हैं बर्थडे दिख सकते हैं यहाँ पे एंजल विंग है ना तो इट इज़ पॉसिबल कि एंजलिक uh, कनेक्शन है बहुत ज़्यादा दिस इज़ लाइक सम्बडी इज लाइक ब्यूटीफुल एंजल की तरह हो सकते हैं ये लड़की लड़के ओके okay, इनके साथ आपको काम पीस पीस फील होगा देर इज अग होम का चावी तो हो सकता है इनके पास एक बंगलो हो ही होम टूगेदर इनको कान के एक्सेसरीज पहनने का शौक होगा ऐसे वाले ओके okay, शिव भक्त हो सकते हैं यहाँ पे त्रिशूल बना है ना ही इज लाइक बस शिव जी को बहुत मानते हूँ ऐसा भी पॉसिबिलिटी है आ, या यहाँ पे ये है डोल्फिन तो किड बहुत जल्दी आ जाएगा यहाँ पे है एक ताज ओके okay, ही बी लाइक अ किंग और इनके पास बहुत बंड हो सकते हैं बहुत लोग इनको जानते हों इनका नाम हो ही इज़ लाइक वेरी फेमस ओके ये सारी चीज़ें हो सकती हैं रॉयल फैमिली से हो सकती है जैसे मैंने बोला था ओके नोन हो सकते हैं या दट दिस वॉ यर रीडिंग आई होप यू एंजॉयड इफ यू एंजॉयड प्लीज़ लाइक शेड सब्सक्राइब इफ़ यू रिक्वायर अ पर्सनल रीड डेफिनेट यू कैन गो है गो फर सेम थैंक यू सो मच आई लव सी सू इन द नेक्स्ट वीडियो चाहो